कांग्रेसी लीडर सुखपाल खहरा के काफ़ी लंबे समय तो आम आदमी पार्टी के शामिल होने की चर्चा चल रही थी। सो हुण सुखपाल सिंह खहरा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ही ली है। चंडीगढ़ के आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडर की मौजूदगी के खहरा आप दे विच शामिल हो गए हैं। काफी समय तो एक चर्चा चली आ रही थी कि कांग्रेसी लीडर सुखपाल सिंह खहरा आम आदमी पार्टी विच शामिल होना चाहते हैं। कई बार इस गल का खुलासा आम आदमी पार्टी के कन्वीनर सुचा सिंह छोटेपुर ने भी किया। सुखपाल सिंह खहरा आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडर की मौजूदगी दे विच पार्टी विच शामिल हो गए हैं। इस मौके पार्टी के पंजाब मसलों के इंचार्ज संजय सिंह और पार्टी के कन्वीनर सुचा सिंह छोटेपुर मौजूद सन। खहरा ने कांग्रेस पार्टी नूं छड्डण अते आम आदमी पार्टी विच शामिल होण दा कारण कांग्रेस अते अकाली दल दा आपस विच मिले होना ते कांग्रेस दे कई लीडरां उत्ते भ्रिष्टाचार दे मामले दर्ज होण ते साफ सुथरी राजनीति तों किनारा करन नूं दस्सिया है। राहुल गांधी का जो आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स थे, अरसे से वो बोल रहे थे कि मैं हिंदुस्तान में एक जनरेशनल चेंज लाना चाहता हूँ, नौजवानों को राजनीति में लेकर आऊँगा, अपनी पार्टी में नौजवानों को स्थान दूंगा, और साथ में उन्होंने बोला कि क्वालिटेटिव चेंज भी लाना चाहता हूं कि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, जो लोग साफ सुथरे हैं, छवि वाले, उन लोगों को हम आगे लेकर आएंगे। लेकिन जब पंजाब की टीम बनाई उन्होंने पिछले महीने और कुछ दिन पहले, उसमें सारी अपनी आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर ली सिर्फ एक स्टेट को कैप्चर करने के लिए। क्योंकि जो हमारे तीन इंपॉर्टेंट आदमी अपॉइंट किए गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रधान अंबिका सोनी और लाल सिंह, ये तीनों 2017 में दे आर गोइंग टू बी 75 ईयर्स ऑफ एज। आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू बी एनी यूथ इन पंजाब एट ऑल। और जो दूसरी अपॉइंटमेंट्स हैं, दे आर वर्चुअली ऑर्नामेंटल, उनका दे आर मीनिंगलेस अपॉइंटमेंट। ये तीन आदमी इंपॉर्टेंट है, इनका जो संदेश गया है वो कहीं ना कोई राहुल ने अपनी आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज़ की, और साथ में ये लोग टेंटेड भी हैं। खहरा ने कांग्रेस अते अकाली दल दे लीडरां बाबत बयानबाजी करदिआं होइआं कैप्टन अमरिंदर सिंह अते बादल परिवार दे अंदर खाते होए समझौतियां दे हवाले नाल कहा है कि दोवें पार्टियां एक ही सिक्के दे दो पासे ने। अंडरस्टैंडिंग भाई साहब ये नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग इनकी ये है कि जो भी सत्ता में रहेगा वो एक दूसरे का विक्टिमाइजेशन नहीं करेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक 2008 में विजिलेंस ब्यूरो पंजाब ने, बादलों ने एफआईआर दर्ज की थी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स और करप्शन की। वेयर इज दैट एफआईआर? ना चलान पेश हुआ, ना कहीं कोर्ट में गई। अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि जो केसेस पेंडिंग हैं 8 साल से, अगर किसी आम आदमी के होते तो अभी तक तो उसको चार्ज करके जेल भी सुना दी होगी, लेकिन 8 साल तक अभी चार्ज ही ना फ्रेम हो कहीं पर। ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेयर इज द प्रोसिक्यूशन? अगर प्रोसिक्यूशन जज को बोले जाकर के जी भाई ये हमारा केस है, जज को या तो उसको चार्ज करना पड़ेगा या डिस्चार्ज करना पड़ेगा। सो देर इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। और जो बाय इलेक्शन में हो रहा है, जो और भाई बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब सारी बातें एकदम मैं बोल नहीं पा रहा। खहरा ने बाहरले मुल्कां दे प्रधानमंत्रियों अते होरना लीडरां दीआं उदाहरणां दित्तियां ते कहा कि भारत दे विच राजनीति दी हालत माड़ी हुंदी जा रही है ते आम आदमी पार्टी दे मुखी अरविंद केजरीवाल दीआं भ्रिष्टाचार विरोधी नीतियां तों प्रभावित हो के उन्हां ने पार्टी दे विच शामिल होण दा मन बनाया है। This is absolutely unfair. Already member of parliament की काफ़ी sufficient उनकी salaries and pensions हैं, और उसमें 100% hike देना, that is totally uncalled for. इससे क्या, इससे तो और बोझ पड़ेगा exchequer के ऊपर। Why don't they follow the leaders of the world? आप देखें कि मैंने देखा है बड़े से बड़े जो leaders हैं, चाहे वो डेविड कैमरॉन है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो अभी अभी नए बने हैं कैनेडा के, जस्टिन ट्रूडो, आप उनको देखेंगे वो अकेले घूमते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर, अगर उनके पास कोई सिक्योरिटी है दैट्स नॉट टू बी सीन। लेकिन यहाँ पर गनमैन ही गनमैन, सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी, काम कोई है नहीं। पार्लियामेंट फ्रीज की हुई है पिछले अरसे से अपनी निजी लड़ाइयों के सिलसिले में। सो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ डबलिंग द सैलरीज एंड पेंशन ऑफ द पे? हुण वेखना होवेगा कि खहरा दे आम आदमी पार्टी विच शामिल होण तों बाद पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दी स्थिति मजबूत हुंदी है जां नहीं। पर 2017 दीआं पंजाब विधानसभा चोणां तों पहलां इस तरह दीआं दल बदलण दीआं घटनावां दी शुरुआत फिलहाल हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल पंजाब टीवी।